सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाब फोकस वेख रहे आप सब का स्वागत करते हैं। खबरें शुरुआत करांगे। पातड़ा के पिंड अरनू विखे जमीनी विवाद का मामला सामने आया। इस मौके बोली कराने आए BDPO सुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने जमीन का जायजा लिया, इकहत्तर लोगों नाल विचार चर्चा की। उधर इस मौके प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे सुखविंदर सिंह लुधियाणा ने दस्सिया कि उन्होंने पीढ़ी समेत कई परिवार पिंड अरनू की जमीन पर रह के जमीन की वाही कर रहे हैं, पर हुण नवें अधिकारियों वल्लों आके धक्केशाही नाल जमीन की बोली लगा के धक्के नाल कब्जा करन की कोशिश की जा रही है, जिसनों की समूह पिंड वासी डटवा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस जमीन ते उन्हां दा पुराना ते मालिकाना हक है जो कागजा विच भी दाखिल है। आओ सुनते हैं। इस जमीन दे उत्ते सानू बैठिया नू तकरीबन 60 साल के करीब समा हो गया। साडे जन्म तो पहला साडे पिता जी बैठे सी, साडे दादा जी ने इस जमीन नू वाया। ये जमीन साडा मालकी हक है। असी साडियां जिहड़ियां अज भी जिहड़े फैसले पहला होए, पहला DDPO की कुर्सी पर बैठ के सरदार पुष्पिंदर सिंह ने फैसला किया, उन्होंने सानू मालकी हक दिता। उस तो बाद सानू हाई कोर्ट के विचों साडा केस चलता सी, उत्थों इत्थों तक कि सानू मालकी हक मिल चुके है, पर उन्होंने कहा कि केस हाई कोर्ट चलता, हाई कोर्ट तो कुछ डायरेक्शन लैन वास्ते उन्होंने हेठली कोर्ट नू DDPO साहब नू एक मतलब कि रिमांड करके केस भेजा सी। उस केस का फैसला होने तो बगैर ही अज सरकार साडे नाल धक्का कर रही है। कैप्टन सरकार नू असी अपने इन्हां हत्थां दे नाल लैके आंदा है। असी पूरे पंजाब दे विच असी इस सरकार नू लियाउण वास्ते मेहनतां कीतियां ने, पर जेकर मुड़ के कल नू फिर सानू ये लोग मजबूर करनगे, सरकारां मजबूर करनगियां कि ये गरीबों का उजाड़ा करनगियां, इत्थे 198 एकड़ जमीन है जेदे ते घट्टो घट 300 घर वसिया होया, किसी को अद्धा किला, किसी को दो कनाला, किसी को किला दो किले जमीन है। अज DDPO साहब सानू एक मतलब कहिंदा बोली लैके आ गए जी, बोली करनी है। तो जो इन्हां नू असी पुछ रहे हाँ कि तुहाडे कोल इहदा की अधिकार है, पंचायत की जमीन किदां अज तक तुसी साबित नहीं कर सके, तो लाजवाब ने, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी पहला इन्हां तो पुछया कि कोई तुहाडे कोल इहदा है कि वे तुसी इहदे मालक बन सको। हेठला महकमे तो सरपंच तो लै के ते डिप्टी डायरैक्टर डायरैक्टर तक भी किसी ने अज तक कोई इस पंचायत की जमीन होने का सबूत नहीं दिता। अज असी किसी भी तरीके दे नाल ये जमीन की बोली नहीं होण देंगे, जिहदे ते 300 घर वसिया होया, घट्टो घट 1000 मैंबर इस जमीन की मतलब कि उपज के उत्ते बैठा होया। अज जे इन्ना वड्डा उजाड़ा गौरमेंट करना चाहती है असी कहने कर लवे, पर जां तां साडे लोकां नू पहला मलिया मेट कर दिओ, मार दिओ, खत्म कर दिओ, तीन पिंड ही ने, कोई फर्क नहीं पैंदा तुहानू, इत्थे बाद विच जो मर्जी बना लिओ तुसी, एक खत्म करके साडे लोकां नू इहदे ते वसेबा कर लवे गौरमेंट आके अपना, फिर उस तो बाद बोलियां करे जो मर्जी करे, नहीं तां असी किसी भी ढंग दे नाल जिहड़ा 1000 बंदा है असी कैप्टन साहब की कोठी दे सामने मोती महल दे विच जाके असी जांदे रहे हां। पहला होर तरीके पहला जाईदा सी कि ये परिवार नू असी उच्चा चकना है, ये परिवार दे नाल असी खड़ना है, क्योंकि इन्हां ने सन 84 वेले अपनी सरकार दे विचों अपने आप नू बाहर कर लिया सी। ये सारे गुरसिख परिवार ने इत्थे जिन्ने भी वसे हुए ने, बोली रखी हुई है जी ग्राम पंचायत की जमीन दे, जिहदा कोई कानूनी अड़चन नहीं है, जिहदे च कुछ असी कब्जे भी लाए हैं, 198 एकड़ रकबा जिहड़ा जमा फ्री है, जिहदे जिहदे च कोई भी कानूनी अड़चन नहीं, उस जमीन की बोली रखी हुई है। अज असी झोना फिर उहदा फैसला किया जाऊगा, देख लाँगे, जो मुआवजा दवा देंगे, चकोतेदार जो कोई लेना चाहता है भी जिहड़ा मौके पर जिन्हें बीजा उहदी फसल असैस करके उन्हों मतलब मुआवजा दे के नवें चकोतेदार नूं कब्जा दवा देंगे। नहीं जिहड़ी स्टे बारे तां जिहड़ी हैगी उहदे च तां असीं कदे दखलअंदाजी कीती नहीं, जिहड़ी नहीं स्टे उहदे असीं करांगे। सो इस जान समय तो आ गया, धन्यवाद।